मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी भीष्म पितामह। आज आपको ले चल रहा हूं उस वक्त में जब महाभारत की लड़ाई भी नहीं हुई थी। मैं देख रहा हूं गंगा किनारे खड़े एक राजकुमार को, थोड़ा दुखी, थोड़ा परेशान है। यह है हस्तिनापुर का राजकुमार देवव्रत। देवव्रत जब भी परेशान होता है, दुखी होता है, अपनी माँ से मिलने, बातें करने, परेशानियां साझा करने चला आता है। और उसकी माँ है गंगा, वही गंगा जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। आज देवव्रत परेशान है क्योंकि उसके पिता और हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु अनमने हैं। हर रोज उनका हालचाल पूछने वाले पिता ने आज देवव्रत की ओर देखा भी तो बड़े उदास अंदाज में। देवव्रत पिता को परेशान नहीं देख सकता, आखिर उसकी माँ गंगा का आदेश भी तो है। देवव्रत के जन्म के वक्त से ही उसके पिता शांतनु और माता गंगा अलग रहने लगे थे। शांतनु और गंगा अलग भले ही हो गए थे, लेकिन देवव्रत को भी पता था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देवव्रत जब 14 साल का हो गया था, उसके बाद ही माँ ने देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया। ये रहा आपके राज्य का वारिस। पिता के साथ जाते देवव्रत को माँ ने हिदायत दी थी, तुम्हारे पिता अकेले हैं, उनका ख्याल रखना, मेरी कमी पूरी करनी है तुम्हें। तब से आज तक देवव्रत ने भरसक कोशिश की है कि वो अपने पिता को हमेशा प्रसन्न रख पाए। सच ही तो कहा था माँ ने, पिता भी माँ से कितना प्यार करते हैं। हर रोज गंगा तट पर आकर घंटों गंगा को निहारते हैं। माँ कभी आकर भर मुंह बातें कर जाती हैं, कभी नहीं भी आती। मैं देख रहा हूं गंगा आई तो देवव्रत के चेहरे पर छाया तनाव अचानक ढीला हो गया। माँ, पिताश्री फिर परेशान दिखे, गंगा ने देवव्रत के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ माँ, कल शाम को लौटे थे शिकार से, तब से रात में भी कुछ खाया नहीं, सुबह मुझसे भी बात नहीं की। गंगा के चेहरे पर सोचने के भाव उभरे थे, उनके पीछे बह रही नदी में हिलोरें और भंवरें पड़ने लगी थीं। पुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को बस अकेलापन का चोट रहा है। देवव्रत माँ को देखता ही रह गया। कितना जानती हैं माँ पिताजी को, इस तरह से तो उसने कभी पिताजी के बारे में सोचा ही नहीं था। देवव्रत माँ गंगा से मिलकर वापस महल लौट गया। माँ ने देवव्रत के जन्म के बाद से ही राजमहल छोड़ दिया था। शांतनु को छोड़कर फिर से नदी बनकर बहने लगी थी गंगा। और तब जब देवव्रत 14 साल का तेजस्वी लड़का बन गया था, उसके पिता ने उसको पहली बार गंगा तट पर तीरंदाजी करते हुए देखा था। माँ गंगा ने भले ही देवव्रत को अकेले पाला हो, लेकिन हर गुण उसमें डाले थे, हर संस्कार, वीरता का हर लक्षण। देवव्रत था भी शानदार तीरंदाज, माँ ने उसमें बचपन से योद्धा बनने के सारे गुण भर दिए थे। दुनिया में कई माएँ अकेली अपने बच्चों को पालती हैं, और ऐसे बच्चों में दुनिया को देखने का, उससे लड़ने का अलग किस्म का मादा पैदा हो जाता है। देवव्रत भी कुछ ऐसा ही फौलाद था। तीरंदाजी की ऐसी कला थी देवव्रत में कि शांतनु पलके झपकाना भूल गए। देवव्रत इतने झपाके के साथ एक के बाद एक तीर चला रहा था कि लग रहा था कि गंगा की धारा ही रोक देगा। फिर गंगा ने आकर शांतनु से मिलवाया था, अब जाकर पिता के साथ रहना होगा तुम्हें। पहली बार देवव्रत को एहसास हुआ कि माँ से बिछड़ना क्या होता है। 14 साल का ही तो था देवव्रत, माँ से बिछड़ते वक्त तो योद्धाओं की भी आंखें गीली हो जाती हैं, होनी भी चाहिए, और देवव्रत की भी हुई। पहरेदार ने आवाज दी, सम्राट पधार रहे हैं। देवव्रत अतीत से वर्तमान में वापस आ गया। उस दिन की याद आज भी ताजा है जहन में। माँ ने बाद में उसे कहा था, देवव्रत तुम्हें पिता की जितनी जरूरत है, उससे अधिक तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है, संभालो उन्हें। माँ का आदेश कैसे टालता देवव्रत, और आज फिर से पिता को संभालना जरूरी लग रहा था। दासियों ने खबर दी थी कि पिताजी ने कल रात को खाया भी नहीं था, और आज सुबह कसरत करने के लिए अखाड़े भी नहीं गए। ऐसा क्या हो गया? पिताजी दरबार आए और जल्दी जल्दी कुछ जरूरी काम निपटाकर वापस महल चले गए थे। ऐसे बेचैन उन्हें कभी नहीं देखा था।
देवव्रत को लगा कि अब देर न की जाए तो बेहतर। सुभद्र, देवव्रत ने महामंत्री को आवाज दी थी, लेकिन शांतनु की स्थिति का अंदाजा महामंत्री सुभद्र को भी नहीं था। देवव्रत चुपचाप उठा और निकल पड़ा उसी रास्ते पर जिस पर कल उसके पिता गए थे। हस्तिनापुर की आबादी खत्म होते ही घने जंगल शुरू हो गए थे और इन्हीं घने जंगलों के बीच गंगा के आसपास ही देवव्रत को एक खुशबू महसूस हुई। बड़ी ही तेज खुशबू, ऐसी कि आदमी बेबस होकर खींचा चला आए। देवव्रत भी उस गंध की दिशा में खींचकर आगे बढ़ने लगे थे। देवव्रत का घोड़ा आकर एक गंगा किनारे बसे पुरवे में बनी झोपड़ी के सामने रुक गया। झोपड़ी एक मछुआरे की थी। मछुआरों के मुखिया निषाद राज का घर था ये, और सुगंध भी उसी के घर से आ रही थी। गांव में राजकुमार को देखते ही कई लोग घरों से बाहर आ गए थे, लेकिन निषाद राज के घर से कोई नहीं निकला था। भीड़ में खुसफुस होने लगी, देखो आज राजकुमार आया है। देवव्रत ने एक मछुए को बुलाया तो वो हाथ बांध कर आ खड़ा हुआ। धीरे धीरे कई टुकड़ों में उस नौजवान मछुए ने बताया कि परसों शाम सम्राट शांतनु शिकार पर आए थे। गंगा तट पर इस ओर आए तो झुटपुटा हो गया था। उनके ठहरने की कनातें इधर ही लगाई गई थीं। फिर क्या हुआ था? फिर सम्राट निषाद राज की कन्या के प्रेम में पड़ गए। देवव्रत को लगा मानो वो सातवें आसमान से नीचे गिरा हो। उसके पिता, जिनके बारे में माँ कहती हैं कि वो उनसे और खुद देवव्रत से बहुत प्रेम करते हैं, वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं। लेकिन देवव्रत खुद को जब्त कर गया। कौन है ये निषाद राज और उनकी बेटी? नौजवान सुनकर मुस्कुराया। युवराज जान की माफी दें तो कहूं? फिर राजकुमार के जवाब का इंतजार किए बिना ही नौजवान बोला, आप भी शायद इस गांव में एक खास गंध सूंघकर ही आए हैं, है ना? अब देवव्रत को सुगंध का ख्याल आया। कैसी है ये सुगंध? राजकुमार, ये सुगंध निषाद राज की बेटी योजन गंधा के शरीर से आ रही है। वैसे तो उसका नाम सत्यवती है, लेकिन उसकी देह से आने वाली इस गंध की वजह से उसका नाम योजन गंधा है। देवव्रत भी हैरान रह गया। हाँ राजकुमार, ये एक ऋषि के वरदान का प्रताप है। असल में योजन गंधा सत्यवती का नाम पहले मत्स्य गंधा था और इसके शरीर से मछली की गंध आती थी। जब मत्स्यगंधा सिर्फ 16 साल की थी तब उसकी नाव में गंगा पार करते वक्त ऋषि भारद्वाज को उससे प्रेम हो गया था। फिर क्या? ऋषि भारद्वाज ने प्रेम में मत्स्यगंधा को वरदान दिया कि अब उसकी देह से मछली की नहीं चंदन की खुशबू आया करेगी, और अब उसका नाम भी योजन गंधा है। योजन गंधा का अतीत और पिता का प्रेम, क्या बुढ़ापे का यह प्रेम शोभा देगा एक सम्राट को? उस उम्र में जब पिता शांतनु को प्रजा के कल्याण की चिंता करनी चाहिए या फिर जंगल जाकर भगवान के भजन में मन लगाने की, उन्हें फिर से बारात सजाना, फिर से घोड़ी चढ़ना ठीक लगेगा? क्या करे देवव्रत? देवव्रत के लिए ये असमंजस की घड़ी थी। निषाद राज उस रोज कहीं बाहर गए थे, उनके आने में देर हो रही थी। युवराज के गांव में आने की खबर पाकर योजन गंधा सत्यवती बाहर निकली तो देवव्रत उसे देखता ही रह गया। सत्यवती युवती तो नहीं थी, उसमें एक उदास गंभीरता थी और चेहरा दोपहर बाद के ढलते सूरज की तरह। देवव्रत सोचता रह गया, पिता से विवाह करने लायक तो है सत्यवती, सुंदर भी हैं और गंभीर भी। क्या संयोग है, मेरे पिता को मेरी माँ ने त्याग दिया और सत्यवती को उनके पति भारद्वाज ने। क्या दोनों एक दूसरे के दुख को समझ पाएंगे? शायद हाँ। दोस्तों, देवव्रत को अपने बारे में तकरीबन सारी बातें पता थीं। उन्हें यह भी पता था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। उनको युद्ध भूमि में कोई हरा नहीं सकता था और जब तक न चाहें मौत उनके पास फटक भी नहीं सकती थी। देवव्रत क्या थे? वशिष्ठ का शाप झेलकर इंसान के रूप में जन्मे एक देवता, जिन्होंने खेल खेल में अपने 8 साथियों के साथ पवित्र गाय कामधेनु चुरा कर ऋषि वशिष्ठ को गुस्सा कर दिया था। वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया था इंसान के रूप में जन्म लेने का, और इस शाप से मुक्ति के लिए 8 देवताओं को एक एक करके गंगा के गर्भ से शांतनु की संतान के रूप में पैदा होना था।
गंगा ने मुक्ति देने के लिए अपनी 7 संतानों को जन्म लेते ही नदी की धारा में बहा दिया था। 8वीं संतान थे देवव्रत, जिन्हें बहाते वक्त शांतनु ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया था। शांतनु और गंगा जब प्रेम के बाद विवाह बंधन में बंध रहे थे तो दोनों ने तय किया था कि एक दूसरे को किसी काम में रोकेंगे नहीं। जिस दिन कोई एक दूसरे को रोकेगा वो साथ छोड़ने के लिए आज़ाद होगा। शांतनु ने पत्नी को अपनी 8वीं संतान को धारा में बहाने से क्या रोका, वादा टूट गया और विवाह का वो बंधन भी। बस प्रेम बना रहा। सच्चा प्रेम खत्म नहीं होता, चाहे रिश्ते की वो डोर टूट जाए जिसे समाज ने शादी का नाम दिया है। देवव्रत जान गए थे कि उनकी मुक्ति मुमकिन नहीं है, नहीं तो छूट ही गए होते। शाप की बात हो या ना हो, लेकिन इस धरती पर उनका जीवन दुश्वार होने वाला था और उनको इसका सामना करना ही था। माँ से अलग होकर पिता किस तरह दिन काट रहे होंगे इसका अंदाजा हो गया था देवव्रत को। देवव्रत अपनी उम्र के दूसरे नौजवानों की तुलना में अधिक दुनियादार हो गए थे। जन्म से लेकर 14 साल की उम्र तक वो माँ के साथ ही रहे थे और माँ ने हमेशा उसे पिता की बहादुरी के किस्से सुनाए थे। हमेशा बताया था कि तुम कुरुओं के खानदान के चिराग हो, इसके जोत को तुमको रोशन करना है, पूरे भारतवर्ष में कुरुवंश के साम्राज्य को फैलाना है और इसके सिंहासन की रक्षा करनी है। पिता शांतनु से देवव्रत अटूट प्रेम करते थे और अपनी माँ से भी। अब पिता को प्रसन्न रखने के लिए योजन गंधा से उनका विवाह जरूरी था। शांतनु अपने कमरे में निपट अकेले बैठे थे। जब से शिकार से लौटे थे तो खाली हाथ थे, खाली हृदय भी। एक बाण तक नहीं चलाया था, तीर तो उनके दिल पर चला था और हृदय को बींद कर निकल गया था। योजन गंधा की देह की गंध ही ऐसी थी, खिंचे चले गए थे शांतनु। योजन गंधा सत्यवती की देह की गंध थी जो उनके नथुनों में अभी भी बसी हुई थी। नथुनों में ही क्यों, दिलो दिमाग पर कब्जा था। उस हरियाली भरे इलाके में नाव में चप्पू चलाती योजन गंधा को देखते ही दिल दे बैठे थे शांतनु। उस वक्त नहीं सोचा था कि एक जवान लड़का उनका बेटा है। उस वक्त नहीं सोचा था कि उन पर हस्तिनापुर जैसे बड़े साम्राज्य को चलाने की जिम्मेदारी है। नहीं सोच पाए थे कि गंगा उनकी पत्नी है, जो अलग भले ही रहती हो लेकिन प्रेम वैसा ही है। तो क्या जीवन में दोबारा प्रेम हो सकता है? शांतनु बढ़ती उम्र के साथ अकेलापन ज्यादा महसूस करने लगे थे। राजकाज में दिन भर उलझे रहते लेकिन शाम होते ही अकेलापन काट खाने को दौड़ता। कांसे से बने आईने के सामने खुद को अपराधी महसूस करते हुए शांतनु खुद से सवाल कर रहे थे, उस वक्त जब घर में बहुरानी लाने की बातें सोचनी चाहिए, वो अपने लिए पत्नी लाने और अपनी ही लगन करने की जुगत में है। शांतनु को लगा कि उनके हाथ से कुछ फिसल रहा है। इस बुढ़ापे में शादी, लोग क्या कहेंगे, उन्होंने आईने से पूछा था। आईना हंसने लगा था। समाज का उनको क्या डर, वो तो खुद राजा हैं, कोई उनके खिलाफ दो जबान नहीं खोल सकता। लेकिन लोगों की जबान नहीं, आंखें भी बोलती हैं। उन आंखों में मजाक होगा उनके लिए। क्या शांतनु उन मजाकिया निगाहों को झेल पाएंगे? शांतनु एक पल को विवाह वाली बात को, सत्यवती को भूल पाने का फैसला कर ही डालने वाले थे कि अंदर का राजा कुछ और ही बोला। वो राजा हैं, राजा नहीं बल्कि सम्राट, सम्राट शांतनु। राजा लोग कई विवाह भी करते हैं, राम के पिता दशरथ ने भी किया था विवाह, तो फिर शांतनु क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उनके अंदर बैठा पिता और पति कुछ और ही जवाब दे रहा था। शांतनु, दशरथ ने एक नहीं 3 विवाह किए थे, लेकिन उसका फल क्या हुआ था? दशरथ के बेटे राम को वनवास जाना पड़ा था। क्या अपनी शादी करके देवव्रत के लिए भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां तो नहीं बना रहे हो? हाथ मलते हुए शांतनु अपने कमरे में ही इधर से उधर बेमकसद टहलने लगे। दुविधा में थे, निषाद रात से बात करनी चाहिए। तभी महामंत्री सुभद्र कमरे में आए और शांतनु को खबर दी, गंगा तट से कोई निषाद राज आए हैं महाराज, अपनी बिटिया के साथ, आपसे मिलने के लिए। शांतनु बच्चों की तरह किलक उठे। सच? कल की शाम हस्तिनापुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में
एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। देवव्रत देर शाम तक निषादराज का इंतजार करते रहे। मछलियां पकड़कर लौटे निषादराज ने राजकुमार को देखा तो मामला करीब करीब उनकी समझ में आ गया था। पहला पासा उसी ने फेंका था। युवराज, योजनगंधा आयु में आपसे काफ़ी बड़ी हैं। देवव्रत मुस्कुरा उठे थे। मैं अपने लिए नहीं, अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। निषादराज ने अगला दांव चला था। लेकिन आपके राजमहल में गरीब की बिटिया की औकात क्या होगी युवराज? आपके पिता के मन बहलाने का साधन भर। पिता हूँ मैं, कोई कसाई थोड़े कि बेटी को जानबूझ के कुएं में धकेल दूँ। देवव्रत ने निषादराज को समझाना चाहा। ऐसा नहीं होगा निषादराज। निषादराज अड़ गया। ऐसा ही होगा युवराज, आपके पिता ने योजनगंधा को पत्नी का दर्जा दे भी दिया तो क्या होगा? इसकी संतानें आपकी गुलाम होगी। आप तो ठहरे युवराज, सम्राट के बाद गद्दी पे आप ही बैठेंगे और मेरे नातियों का क्या होगा? उनको आपकी दास्ता में ही रहना होगा। बताइए, हाँ या ना? देवव्रत को समझ में आ गया कि निषादराज अपनी बेटी का भविष्य बनाने पर तुले हैं और हथौड़ा गरम देखकर चोट करने की कोशिश में हैं। देवव्रत ने बेहद मुलायम स्वर में कहा था, निषादराज आप चिंता मत कीजिए, एक बार आपका नाती यानी मेरे पिता का पुत्र पैदा भर हो जाए, मैं युवराज का पद छोड़ दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका नाती यानी माता योजनगंधा का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। निषादराज के चेहरे पर संतुष्टि के भाव खेल गए थे, लेकिन आखिरी दांव अभी बाकी था। आप धन्य हैं युवराज, उसने कहा, आप जैसा त्यागी राजकुमार मैंने न देखा न सुना। लेकिन युवराज एक शंका और है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद निषादराज ने कहा, यह ठीक है कि आप खुद राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी संतान भी इस प्रतिज्ञा का पालन करेगी, इस पर कैसे भरोसा हो? कहीं मेरे नातियों को इसके लिए अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ जाए। राजनीति बहुत बुरी चीज है युवराज, खासकर राज सिंहासन। निषादराज ने अपनी बात पूरी की और अपने दोनों हाथों को कानों से लगाया, मानो बहुत गलत बात कह गया हो। लेकिन तभी देवव्रत की गंभीर आवाज गूंजी, सृष्टि के तमाम देवतागण, सभी नदियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तारागण, दसों दिशाएं सुने, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज सबको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। न तो मेरा विवाह होगा और न मेरी कोई संतान होगी। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा के पूरा होते ही बादल घेरा है और अचानक जोर से बिजली कड़की। आकाश से देवताओं ने जोर से जय घोष किया, भीष्म भीष्म। सुभद्र के मुंह से शांतनु ने सारा किस्सा सुना तो सर पकड़कर बैठ गए थे। पूछा था उन्होंने, ये भीष्म क्या होता है सुभद्र? कठोर प्रतिज्ञा को भीष्म कहते हैं सम्राट। दोस्तों, मैं शांतनु के विवाह की तैयारियां देख रहा हूं और देख रहा हूं राजकुमार देवव्रत को भी, जिन्होंने पिता की खुशी के लिए अपना बलिदान दे दिया। बलिदान अपने वर्तमान का, अपने भविष्य का और साथ ही पूरे भारतवर्ष का। यही देवव्रत, यही भीष्म आगे कौरवों पांडवों के भीष्म पितामह बने, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक तो थे, लेकिन उनके त्याग और उनकी तपस्या से भी महाभारत युद्ध रुक नहीं सका था। असल में उनके इसी त्याग ने महाभारत की नींव भी रखी थी। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही।